श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सदियों का इंतजार आखिर खत्म हो गया। रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। जैसे ही भक्तों ने रामलला की पहली झलक देखी तो खुशी में लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की आंखों से पट्टी खोली और हाथ में कमल का फूल लेकर उनकी पूजा की। रामलला की आंखों में मासूमियत, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति की कारीगरी की है। इस पैकेज में आपको बताते हैं मूर्ति से जुड़ी दिलचस्प बातें। राम मंदिर में 51 इंच की रामलला की प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है। मूर्ति का वजन 200 किलो है और इसकी ऊंचाई 4.25 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। रामलला पीतांबर से सुशोभित हैं और हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। उन्होंने सोने का कवच कुंडल करधन माला धारण की हुई है। रतन से जड़े मुकुट का वजन करीब 5 किलो बताया जा रहा है। उनके मुकुट में 9 रतन सुशोभित हैं और गले में सुंदर रत्नों की माला है। कमरबंद भी सोने से बना है। आभूषणों में रतन, मोती, हीरे शामिल है। श्री राम मूर्ति के ऊपरी भाग यानी मस्तक के पास सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र तराशे गए हैं। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु सहित उनके 10 अवतार मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और बल्कि की आकृति को उकेरा गया है। शामशील पत्थर से मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें अन्य पत्थर नहीं जोड़े गए हैं। मूर्ति के निचले स्तह पर एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ देव की आकृति बनाई गई है। श्यामल रंग से बनी रामलला की प्रतिमा की आयु हजारों वर्ष लंबी मानी जा रही है, क्योंकि श्यामशील पत्थर सालों तक अच्छी अवस्था में रहता है। रोली और चंदन लगाने से भी रामलला की मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। बता दें, राम मंदिर में श्री राम के 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित की गई है। हिंदू धर्म में बाल्यकाल को 5 साल की उम्र तक माना जाता है। चाणक्य और दूसरे विद्वानों ने इस पर साफ कहा है कि 5 साल की उम्र तक बच्चे की हर गलती माफ होती है, क्योंकि वो अबोध होता है। उस उम्र तक केवल उसे सिखाने का काम करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी? हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी मंदिर में देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने से पहले उस मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि मूर्ति में प्राणों की स्थापना करना है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि मूर्ति में प्राणों की स्थापना करना या जीवन शक्ति को स्थापित करके किसी भी मूर्ति को देवता के रूप में बदलना। मंत्रों का उच्चारण और विधि विधान से पूजा करके मूर्ति में प्राण स्थापित किए जाते हैं। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इस सभी चरणों को आदिवास कहा जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक बिना प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक प्रतिमा निर्जीव रहती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उसमें जीवन आता है और वह पूजनीय योग बन जाती है। आज पूरा देश राममय हो गया है। आपने रामलला का स्वागत कैसे किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।